अध्याय दूसरा, विश्वास, मन फिराव, मसीह जीवन की नींव का पहला भाग है। विश्वास दूसरा भाग है। परमेश्वर पर विश्वास रखने का अर्थ है उस पर भरोसा रखना और उसने अपने वचन में जो कहा है उस पर विश्वास रखना, बावजूद इसके कि हमारी भावनाएं हमें क्या कहती है या दूसरे लोग हमें क्या कहते हैं, ये उतना ही सहज है। यहाँ परमेश्वर के विषय तीन सच्चाइयाँ हैं। एक, वो हमसे असीमित प्रेम करता है। दो, वो पूर्णतः बुद्धिमान है। और तीन, वो सर्वशक्तिमान है। क्या इन सच्चाइयों पर विश्वास करना कठिन है? नहीं, तब तो हमें अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर विश्वास रखने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जब हव्वा ने अदन की वाटिका में शैतान की आवाज को सुना तो वह विश्वास में असफल ठहरी। उसने ये विश्वास नहीं रखा कि परमेश्वर की आज्ञाएं उसकी भलाई के लिए थी। उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया क्योंकि परमेश्वर के सिद्ध प्रेम पर उसे विश्वास नहीं था। परमेश्वर के वरदान पाने के लिए विश्वास, परमेश्वर के पास हमें देने के लिए बहुत सी अद्भुत बातें हैं और उसके वरदान अनुग्रह के वरदान हैं, परंतु हमें उन्हें पाने के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। बाइबल कहती है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, इफिसियों 2:8। अनुग्रह परमेश्वर का हाथ है जो स्वर्ग की आशीषों से भरपूर होकर हम तक नीचे पहुंचता है। विश्वास हमारा हाथ है जो परमेश्वर के हाथ से आशीषों को लेने के लिए ऊपर पहुंचता है। सर्वप्रथम परमेश्वर हमें हमारे पापों की क्षमा देता है। यदि हमने मन फिराव कर लिया है तो तब हमें अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ परमेश्वर मुफ्त में देना चाहता है उसे मात्र ले लेना है। हमें उसके लिए न तो कोई कर्म करना है और न ही दान देना है। वो तो पहले ही कलवरी पर चुका दिया गया है। अब हमें जो करना है वो सिर्फ ये कहना है कि तेरा धन्यवाद पिता, और उसे ले लेना है। ये है विश्वास। परमेश्वर जो कुछ हमें दे रहा है यदि हम उसे नहीं लेते तो हम उसका अपमान करते हैं। हम उसके वरदानों को तुच्छ जान रहे हैं। शायद हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें चिढ़ा रहा है, जैसे कुछ लोग अपने बच्चों को चिढ़ दिलाते हैं, मानो वे कोई इनाम देने के लिए अपना हाथ बच्चों तक बढ़ाते हैं। और जैसा ही बच्चा उसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है वो अपना हाथ पीछे ले लेते हैं। परंतु परमेश्वर इन लोगों के समान हीन तथा बुरा नहीं है। वह प्रेमी पिता है। वो हमें भले वरदान देने की सच्ची लालसा करता है। इसलिए बाइबल कहती है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, चाहे हम जो कुछ भी और क्यों न करें। इब्रानियों 11:6। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो केवल हमारे पापों को ही क्षमा नहीं करेगा, साथ ही वो हमें पापों के सामर्थ्य से भी मुक्त करेगा। हमें विश्वास कैसे मिलता है? केवल एक ही मार्ग है। बाइबल कहती है, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियों 10:17। दूसरे शब्दों में, जब हम परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा हमें बोलने की अनुमति देते हैं तो हमें विश्वास प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारा विश्वास बढ़ता ही है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जानते हैं कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा और जी भी उठा। और यदि हम मन फिराते और उस पर भरोसा रखते हैं तो हम तुरंत हमारे पापों से पूर्ण तथा मुफ्त में क्षमा प्राप्त कर सकते हैं।
तब पवित्र आत्मा हमारे हृदय के साथ गवाही देता है कि ये सत्य है। परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा की इस दोहरी गवाही के द्वारा हमें पूर्ण निश्चय होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें क्षमा की है तथा ये कि हम सचमुच उसकी संतान है। विश्वास का आश्वासन। परमेश्वर चाहता है कि हमारे हृदय में हमें सिद्ध आश्वासन हो कि हम सचमुच उसकी संतान है। वो कभी नहीं चाहता कि हम इस सच्चाई पर संदेह रखें। शैतान अति प्रयत्न करेगा कि हमें इस संदेह में रखे, परंतु आवश्यकता है कि हम कभी संदेह में ना पड़े, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आश्वासन देने के लिए बहुत सी प्रतिज्ञाएं दी है। आइए इन प्रतिज्ञाओं को देखें। यीशु ने कहा, वो जो मेरे पास आएगा मैं उसे निश्चित ही बाहर नहीं निकालूंगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो जो विश्वास करता अनंत जीवन उसका है। यूहन्ना 6:37-47। जितनों ने उसे ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह, उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1:12। प्रभु ने कहा, मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और मैं उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। इब्रानियों 8:12। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखना मानो नदी पार करते समय अपने पैर मजबूत पुल पर रखे जाने के साथ जोड़ा जा सकता है। यदि पुल मजबूत है तो हमारे पैर यदि कमजोर भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब मजबूत विश्वास क्या है? वो परमेश्वर पर तथा उसकी प्रतिज्ञाओं पर मजबूत विश्वास करना है। हमारी भावनाएं ज्यादातर धोखा देने वाली होती है, हमें उन पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। 3 लोगों का एक दृष्टांत है जिनके नाम सत्य, विश्वास तथा भावना है, जो एक सक्री दीवार पर एक के पीछे एक चल रहे थे। सत्य आगे चल रहा था और विश्वास उसके पीछे चल रहा था तथा भावना उसके पीछे चल रही थी। जब तक विश्वास ने अपनी आंखें सामने सत्य पर लगाए रखी, तब तक सब कुछ सहज चलता रहा। भावना सिद्ध रूप उसके पीछे चलती रही, परंतु जो ही विश्वास ने पीछे मुड़कर भावना को देखा कि वो कैसे साथ आ रही है, तो वो एकाएक गिरकर मृत्यु का शिकार हो गया और भावना भी अपनी मौत मर गई। सत्य बिना किसी गड़बड़ी के दीवार पर चलता ही रहा। इस दृष्टांत की शिक्षा स्पष्ट है। परमेश्वर के वचन में अबदल सच्चाइयां पाई जाती है। यदि हमारा विश्वास केवल परमेश्वर के वचन को सीधे देखता रहता है तो हमारे गिरने का कोई कारण ही नहीं और भावनाएं भी समय अनुसार पीछे आती रहेगी। परंतु हम अपनी भावनाओं को देखने लगे तो हम सरलता से एकाएक निराशा और दंड में गिर सकते हैं। विश्वास का अंगीकार। बाइबल कहती है कि जो हम विश्वास करते हैं उसका अंगीकार करें। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो 10:9-10। हमारे मुख का अंगीकार महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के वचन का अंगीकार करने का अर्थ है परमेश्वर जो कह रहा है वही कहना। ये कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ मात्र परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को आमीन ऐसा ही हो ये कहना है। उत्पत्ति 15 में पहली बार वचन में विश्वास इस शब्द का प्रयोग किया गया है। वहां लिखा है कि जब अब्राम
संतान रहित था, तब परमेश्वर ने उसे कहा, तेरे संतान आकाश के तारों के तुल्य होंगे। और ऐसा लिखा है कि अब्राम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। पद 6, विश्वास के लिए वहां इब्रानी शब्द अमन है, जिसके द्वारा हमें आमीन शब्द मिला है, जिसका अर्थ है ऐसा ही हो। तो अब्राम ने जो कुछ किया वह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को आमीन कहना था। परमेश्वर को आमीन कहना ही सच्चा विश्वास है। इसके पश्चात अब्राम नए नाम से पुकारा गया, जो परमेश्वर ने उसे दिया, इब्राहिम, जिसका अर्थ है भीड़ का पिता। सारा, उसकी पत्नी, अभी भी संतान रहित थी, परंतु इससे इब्राहिम पर कोई अंतर नहीं पड़ा। वह अभी भी अपने आप को भीड़ का पिता कहता रहा, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा था उस पर उसे पूरा विश्वास था। उत्पत्ति 17:5, ये विश्वास का अंगीकार है। जबकि प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए देखा ही नहीं है, तब भी परमेश्वर ने जो कहा है उसका अंगीकार करना। परमेश्वर हमसे यही करने के लिए कहता है कि जो उसने अपने वचन में कहा है वही करना। जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा का अंगीकार करते हैं, तब हम परमेश्वर पर अपना विश्वास प्रकट करते हैं, और तब परमेश्वर हमारी ओर से काम करने योग्य ठहरता है। गवाही के वचन के द्वारा हम शैतान पर विजयी होते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:11, शैतान जो दोष लगाने वाला है, वह सदैव हमें हमारे उद्धार की निश्चयता से और परमेश्वर के सम्मुख हमारे हियाव से चुराने का यत्न करता है। यदि हम उस पर विजय होना चाहते हैं, तो हम शैतान को सीधे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं सुनाएं। यीशु ने स्वयं भी परमेश्वर का वचन सुनाकर शैतान पर विजय पाई। उसने कहा, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। मत्ती 4:1-11। यदि हम परमेश्वर के वचन पर संदेह करते हैं, तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। परंतु जब हम शैतान के समक्ष परमेश्वर के वचन का उच्चारण करते हैं, तो हम शैतान और उसके झूठ के विरुद्ध परमेश्वर और उसके वचन का पक्ष लेते हैं। इस रीति से हम शैतान को बताते हैं कि हमारी परिस्थितियां तथा हमारी भावनाएं जो चाहे हमसे कहे, फिर भी हम विश्वास करते हैं कि जो परमेश्वर ने कहा वो सत्य है। ये विश्वास का अंगीकार है।